जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम अपने मेन 9 WH वर्ड्स के अलावा भी और WH वर्ड्स बना सकते हैं प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करके उनके साथ। तो जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, आइए देखते हैं कि हम इनका यूज करेंगे कैसे। सबसे पहला है हमारे यहाँ पर हाउ मेनी टाइम्स, इसका मतलब होता है कितनी बार। इसके आगे है हमारा व्हाट काइंड ऑफ, यानी किस तरह का। इनके साथ हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ बुक, किस तरह की बुक, व्हाट काइंड ऑफ पीपल, किस तरह के लोग। इन विच, इसका मतलब होता है किस में, जैसे इन विच क्लास, कौन सी क्लास में, या इन विच एरिया, कौन से एरिया में, या किस एरिया में। इसके अलावा मैंने यहाँ पे चीज और मेंशन करी हुई है, हु, व्हाट और विच, ये हमारे जब यूज होते हैं कहां कहां यूज होंगे। हु हमेशा आपका ह्यूमन बींग के साथ लगेगा, और व्हाट जो है आपका, जब भी आप किसी मैटर की बात करते हैं तो वहां पर हमेशा आप व्हाट का यूज करेंगे। विच जो है हमारा वो हमेशा आइटम्स प्लस एनिमल्स प्लस बर्ड्स या और भी जो क्रीचर्स होते हैं हमारे, उनके साथ आप यूज कर सकते हैं, बट आपका ह्यूमन के साथ सिर्फ हु लगेगा। वो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि कई जगहों पे ना हम एक हिंदी वर्ड होता है हमारा जो, उस जो के लिए हम इन तीनों चीजों का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन अगर हम इस जो से इंडिकेट कर रहे हैं किसी ह्यूमन बींग को तो मैं हु लगाऊंगा। अगर मैं किसी बात को डिस्कस कर रहा हूं, जैसे जो मैंने कहा तो व्हाट आई सेड, तो मैंने यहां जो का मतलब व्हाट यूज कर लिया। जो मेरी मदद करेगा, that means I'm talking about a human being, so who will help me, तो मैंने यहाँ पर who का use किया। अगर मैं item की बात करूंगा तो हमेशा मैं which का use करूंगा जो के लिए, जैसे जो मैंने pen दिया था, तो the pen which I had given, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनका इस्तेमाल करेंगे। अब next है हमारा यहाँ पर to whom, इसका मतलब होता है किससे। next with whom, किसके साथ। how long, हाउ लॉन्ग के हमारे दो मतलब है। अगर आप किसी से पूछते हैं कि भाई आपको कितना समय लगेगा, तो आप सिंपली आप उससे पूछ सकते हैं कि हाउ लॉन्ग विल यू टेक, सिंपल। और हाउ के साथ अगर हम कोई भी एडजेक्टिव यूज करते हैं तो उसका मतलब कितना हो जाता है, जैसे हाउ लॉन्ग कितना लंबा, या मैंने बोला हाउ स्वीट कितना मीठा, हाउ फार कितनी दूर, हाउ नियर कितनी पास, हाउ डीप कितना गहरा, इस तरीके से आप सारा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ के साथ हाउ मच और हाउ मेनी दोनों का मतलब होता है हमारा कितना। हाउ मच अगर आप यूज कर रहे हैं तो अगेन अब अनकाउंटेबल चीजों की बात करेंगे, और हाउ मेनी में आप काउंटेबल। ये मैं आपको पहले ही अपनी प्रीवियस वीडियोस में बनाकर आ चुका हूं, जब मैंने आपको एज मच एज, एज मेनी एज, हाउ मच और हाउ मेनी का यूज बताया था। अब हमारे यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा व्हाट, हुम और विच। इनके साथ अगर मैं फॉर लगा देता हूं, फॉर व्हाट किस लिए, फॉर हुम किसके लिए, व्हाट वही हमारा नजर बता कि मैटर्स की अगर हम बात करेंगे तो वो, जैसे फॉर व्हाट आर यू स्कोल्डिंग मी, तुम किस लिए मुझे डांट रहे हो, फॉर हुम किसके लिए, फॉर हुम आर वी अर्निंग मनी, हम किसके लिए पैसा कमा रहे हैं, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट अ ह्यूमन बीइंग इन दिस केस, फॉर विच किस लिए, यानी इसके अंदर आप किसी न किसी वस्तु की बात करेंगे तो हमारे यहाँ पे फॉर विच का इस्तेमाल किया जाएगा। फ्रॉम वेयर, इसका मतलब हो गया कहां से। नेक्स्ट है हमारा अबाउट का यूज करते हुए, अब हम अबाउट को इनके साथ कैसे यूज करेंगे, अबाउट हुम किसके बारे में, अबाउट विच किस चीज के बारे में, अबाउट व्हाट किस मैटर में, यानी किस बारे में, सिंपल हम इसका इस्तेमाल करेंगे। सिंस व्हेन कब से, इसी के अलावा जो हमारा ये व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ, इनके साथ अगर मैं वर्ड का इस्तेमाल कर देता हूं एल्स, तो इन सबके साथ हमारा जो इनका मीनिंग है उसके साथ हमारा और, एल्स का मतलब होता है और, वो जुड़ जाएगा, जैसे व्हाट एल्स और क्या, Who else और कौन, When else और कब, Where else और कहां, Why else और क्यों, How else और कैसे। तो इन सभी का ही हम इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम हमें यही अपना रूल फॉलो करना है और हम इनके सेंटेंसेस बना सकते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जैसे तुम किसके बारे में पूछ रहे थे, तो किसके बारे में, तो यहां पे आ गया बार बार अबाउट whom, तो हमने इसका सेंटेंस बनाया, पहले हमने WH फैमिली यूज कर लिया, अबाउट whom पूछ रहे थे, पास्ट कंटीन्यूअस, हमारी हेल्पिंग में बहुत बार आ गई कि हमें सब्जेक्ट अपना यूज करना है हमारा, अबाउट whom वर यू आस्किंग, यानी आप किसके बारे में पूछ रहे थे। अब इसे मतलब सिंस व्हेन कब से, अब हमने इसका इस्तेमाल किया, से आप कब से दिल्ली में रह रहे हो, सिंस व्हेन हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली, तो इस
तरीके से हमने क्या किया, पेरेंट का इस्तेमाल किया, फिर वही हमने अपनी हेल्पिंग वर्ब यूज करी, फिर सब्जेक्ट वर्ब हमने हमने ऐसे ही इसका इस्तेमाल किया है। तो कोई भी आपका सेंटेंस है आपको बस ये अपना फॉर्मूला फॉलो करना है और आपको अपने सारे सेंटेंसेस इजीली बना लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे मैंने बात करी आपने कितनी बार ये वीडियो देखी है, तो कितनी बार का हमारा मतलब होता है हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स देखी है हमारा, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो हैव यू सीन दिस वीडियो, तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो हम बड़े आराम से इन सभी सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने किया हाउ मेनी टाइम्स हो गया हमारे इसके अंदर इस्तेमाल करके, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू सीन दिस वीडियो, आपने कितनी बार ये वीडियो देखा है। तो ये हमारे हो गए सारे के सारे WH वर्ड्स जो हमने प्रीपोजिशंस की मदद से बनाया हुआ है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर हिट करना ना भूलें। दिस इज जस्सी फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।